बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप आधे सर के दर्द की वजह से बेहद परेशान हैं? आधे सर में आपके बेहद दर्द रहता है, दर्द इतनी शिद्दत का होता है कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सर दबाते हैं, कभी जो है अपने सर पर भूसे मारते हैं, कभी जो है अपने सर को दीवार में पटकते हैं, दर्द इतना शदीद होता है कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दवाइयाँ हाई एंटी जो है एंटीबायोटिक वगैरह भी आप इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर खाते हैं, मरहम लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, मगर सर का दर्द जो है आप सर के दर्द से आपको निजात नहीं मिल पा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे सर के दर्द के इलाज के लिए आज हम आपके लिए बेहतरीन ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सूफियाना अमल। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और लाल कलर का बटन दबा करके जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटा भी ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तावीज़ लिखने का तरीक़ा बता देता हूँ, उसके बाद ये तावीज़ आपने कब लिखना है, कब लिखा जाएगा, कौन से वक्त में लिखा जाएगा, उसको आपने ज़रूर सुनना है। अगर आप बस देख लिया कि तावीज़ आसान है हम लिख लेंगे और समझ में नहीं आया तो याद रखिएगा ये तावीज़ फिर कोई भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से जो है दोस्तों आपने खाने बना लेने हैं जिस तरीके से ये खाने पूरे बने हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप पूरे इस तरीके से जो है खाने बना लेंगे तो बनाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर जो है 786 लिखने का है। 786 लिखने के बाद में जो है फिर यहाँ इस तावीज़ की जो चाल शुरू होती है वो यहाँ से होती है। मैं पूरा आपको जो है सही तरीके से बताऊँ ताकि जो है आप आसानी के साथ इसको लिख लें। तावीज़ की चाल शुरू होती है यहाँ से, तो एक की जगह भी आपने यह हबीब लिखना है, फिर यहाँ दो की जगह भी यह हबीब आपने लिखना है, फिर यहाँ तीन की जगह भी यह हबीब आपने लिखना है, और फिर उसके बाद यहाँ चार की जगह भी यह हबीब, और यहाँ पाँच की जगह भी यह हबीब, फिर यहाँ छः की जगह भी यह हबीब, फिर यहाँ सात की जगह यह हबीब, फिर आठ की जगह भी यह हबीब, फिर यहाँ नौ की जगह भी यह हबीब, फिर यहाँ दस की जगह भी यह हबीब आपने लिखना है, फिर यहाँ 11 की जगह या हबीब आपने लिखना है, फिर यहाँ 12 की जगह भी या हबीब, फिर यहाँ 13 की जगह भी या हबीब, फिर यहाँ पर जो है 14 की जगह या हबीब, फिर यहाँ 15 की जगह भी या हबीब, फिर उसके बाद में यहाँ 16 की जगह भी या हबीब आपने लिखना। बस इस तरीके से दोस्तों आपने जो है मुकम्मल तावीज़ इसी चाल के साथ में जो है आपने लिख लेने का है। अब याद रहे कि ये तावीज़ आपने कब लिखना, तो दोस्तों ये तावीज़ आपने लिखना है जुमेरात के दिन फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में, जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के फौरन बाद में ये तावीज़ आपने लिख लेने का है। उसके बाद ये तावीज़ लिखकर इसका जो है आपने तावीज़ को पैक करना है। पैक करने के बाद जो है काले कलर के अंदर कपड़े के अंदर पैक करके ये तावीज़ मरीज़ के सर पर आपने बांध देना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब के फजल से, अल्लाह के करम से, कितना भी ख़तरनाक और कितना भी पुराना कैसा भी जो है जादू होगा, बफजल खुदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर तरीके का जो है जादू ख़त्म हो जाएगा। बेहतरीन ख़ास पावरफुल मुजर्रब तावीज़ है सर के दर्द को ख़त्म करने के लिए, ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा उठाएं। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुंचाना। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।